आज जो की पॉइंट हमने देखे ना, सही से समझ लेना, एक बार वापस वीडियो देखना, और चलो उसी के बेस पर एमसीक्यू बिगिनर बॉक्स फोर के एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हैं। फर्स्ट एमसीक्यू क्या गिवन है, ध्यान से पढ़ना मॉड्यूल में से। चलो फर्स्ट एमसीक्यू, आईपी वन एंड आईपी टू, मतलब आयोनाइजेशन पोटेंशियल वन एंड आयोनाइजेशन पोटेंशियल टू ऑफ मैग्नीशियम आर 178 एंड 348 किलो कैलोरी पर मोल है। द एंथैल्पी रिक्वायर फॉर द रिएक्शन, और किसके लिए पूछा है तुम्हें, Mg किस में कन्वर्ट हो रहा है, Mg2 प्लस में, तो इसके लिए आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी समझना। इसका मतलब समझो क्या है, मैग्नीशियम में एक साथ में कितने इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, यहां पर दो, तो कभी भी ऐसा नहीं होगा ओके, पहले एक इलेक्ट्रॉन लूज होगा उसके बाद ही दूसरा इलेक्ट्रॉन लूज होता है। हाँ, लिखने के लिए हम डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि स्टेबल कॉन्फिगुरेशन ये होता है मैग्नीशियम का, लेकिन ऐसे कभी नहीं होता कि डायरेक्टली एक साथ में दो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। तो इसे हम लिखेंगे कैसे, चलो सबसे पहले तो मैग्नीशियम एक इलेक्ट्रॉन लूज करके Mg प्लस, और इस वक्त आयोनाइजेशन एंथैल्पी कितनी होगी बोलो, फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी बोलेंगे तो गिवन है वो तो 178 किलो कैलोरी पर मोल। चलो उसके बाद अब क्या होगा, Mg प्लस सेकंड इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और किस में कन्वर्ट हो रहा है वो Mg टू प्लस में, तो यहां पर हमें क्या मिल रही है, सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी कितनी है 348 किलो कैलोरी पर। देखो सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा है ना, सक्सेसिव आयोनाइजेशन एंथैल्पी में क्या होगा, सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू फर्स्ट आयोनाइजेशन से ज्यादा ही होगी, है ही ज्यादा। तो यहां पर डायरेक्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, Mg से यहां से डायरेक्ट यहां तक जाने में आयोनाइजेशन एंथैल्पी कितनी चेंज होगी, तो दोनों का सम कर लो कितना हो रहा है 526 और प्लस, ओके, और प्लस क्या बता रहा है ये एंडोथर्मिक प्रोसेस है, एनर्जी चाहिए इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए, तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी कितनी आएगी किलो कैलोरी पर मोल, 526 किलो कैलोरी पर मोल। तो फर्स्ट एमसीक्यू का आंसर क्या होगा बोलो, बी, सेकंड आंसर है फर्स्ट का, तो दोनों का सम ही करना है तुम्हें और कुछ नहीं करना था। चलो नेक्स्ट एमसीक्यू, समझ में आ रहा है ना। चलो सेकंड एमसीक्यू क्या गिवन है, इफ दी आयोनाइजेशन पोटेंशियल 1, 2, 3, 4 and 5 ऑफ एलिमेंट, सबकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी गिवन है और फिर पूछा है कि कौन सा इलेक्ट्रॉन होगा ये, वही ना, तो सोडियम किसके लिए आयोनाइजेशन एंथैल्पी होगी ये, तो सोडियम सिलिकॉन फ्लोरीन एंड कैल्शियम, तो कौन कौन से वैल्यू गिवन है, चलो फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी कितनी है 7.1, सेकंड के लिए कितनी है 14.3, थर्ड 34.5, फोर्थ पर 46.8, और आयोनाइजेशन एंथैल्पी फिफ्थ के लिए कितनी है 162.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सबके लिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो कौन से एटम के लिए आयोनाइजेशन एंथैल्पी होगी, अब देखो यहां पर तुम्हें गैप पर ही फोकस करना है, मैंने जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड बताया था ना तुम्हें लास्ट, तो यहां पर देखो गैप 7 के आसपास में, एवरेज बता रहा हूं ओके, 7 के आसपास में गैप है, यहां पर कितनी गैप है अराउंड 20 के आसपास में, यहां पर कितनी गैप है 34 से 46 के बीच में गैप कितने अराउंड 12 के, और यहां पर गैप देखो मेजर गैप यहां पर है ना, मतलब फिफ्थ नंबर की आयोनाइजेशन एंथैल्पी बहुत ज्यादा आ रही है कंपेयर टू फोर्थ। अब देखो सोडियम के लिए लिख लो, जो एलिमेंट गिवन है तुम्हारे लिए सोडियम सिलिकॉन फ्लोरीन एंड कैल्शियम, चार एलिमेंट है ना, तो अब चलो यहां पर सबके लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो क्या क्या होगा। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है सोडियम, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 एंड 3s1, तो फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी सोडियम की मतलब क्या कि ये इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे है ना, आउटर मोस्ट तो एक ही है ना, तो ये इलेक्ट्रॉन तो चलो हमने रिमूव कर लिया समझना,
तो सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी कितनी होनी चाहिए थी इसकी? बहुत ज्यादा होनी चाहिए थी ना। अगर एक इलेक्ट्रॉन रिमूव किया हमने, ये तो हो गया रिमूव, मतलब ये आई एज एग्जाम्पल, अगर ये आंसर होता तो सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी मतलब यहां से इलेक्ट्रॉन जाता, और सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी की गैप ज्यादा होती, क्यों? क्योंकि ये इनर मोस्ट हो गया, नोबल गैस मिल गया, नोबल गैस कॉन्फिगरेशन, तो इतनी ज्यादा गैप आ रही है फर्स्ट एंड सेकंड में, नहीं आ रही है तो सोडियम आंसर नहीं होगा। चलो सेकंड ऑप्शन क्या है? सिलिकॉन। कौन से नंबर? 14 नंबर। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2। बोलो अब इसकी फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी, ये लास्ट आउटर मोस्ट लिख रहा हूं मैं, समझना सिर्फ, ये तो इनर मोस्ट हो गया ना वापस, तो आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है? चार है, आउटर मोस्ट में चार इलेक्ट्रॉन है, तो फर्स्ट आयोनाइजेशन मतलब ये इलेक्ट्रॉन गया, सेकंड आयोनाइजेशन, थर्ड आयोनाइजेशन, फोर्थ आयोनाइजेशन। अब यहां से इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है ना, तो देखो फिफ्थ नंबर की आयोनाइजेशन एंथैल्पी बहुत ज्यादा होनी चाहिए थी, तो है ना ज्यादा, तो इसकी फिफ्थ आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या है? आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ 5 ग्रेटर देन आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ, और कैसी? बहुत ज्यादा है ना, तो ये गैप पर ही फोकस करो, तो आंसर डायरेक्ट समझ में आ जाता तुम कि यस, चार इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के बाद जो फिफ्थ इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है ना हमें, उसके आयोनाइजेशन एंथैल्पी बहुत ज्यादा आ रही है, मतलब आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए थे? चार इलेक्ट्रॉन होने चाहिए थे, तो सिलिकॉन में आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 है ना, किस पर आंसर फोकस कर रहे हैं? उसके बाद कौन है? कार्बन है, तो कार्बन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है? अरे सॉरी, फ्लोरीन है, तो फ्लोरीन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1s2 2s2, कहां से 1s2 2s2, फ्लोरीन 1s2 2s2 2p5, तो 5 इलेक्ट्रॉन है, मतलब 6 नंबर की आयोनाइजेशन एंथैल्पी बहुत ज्यादा होती है इसकी, समझ रहे हो ना पॉइंट? 6 भी नहीं वैसे तो, फिफ्थ नंबर 8 नंबर की आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होती है, अंदर तो यही है ना, क्योंकि आउटर मोस्ट में 7 है इसके, आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7 है ना फ्लोरीन के लिए, और लास्ट ऑप्शन कौन सा है? कैल्शियम, कैल्शियम मतलब 20, और आउटर मोस्ट में कितने है? 2 ही है उसके, तो थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होनी चाहिए थी। तो यहां से अगर मान लो तुम्हें ये गैप से रिलेटेड ऑप्शन गिवन है ना, तो तुम्हें क्या सबसे पहले फाइंड करना है? सबसे ज्यादा गैप कहां पर है? जहां पर सबसे ज्यादा गैप है और ऑप्शन जो है ना एलिमेंट, वहां पर तुम्हें क्या देखना है कि आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कितने? कि मान लो अगर चौथे और पांचवे के बीच में गैप ज्यादा है तो आउटर मोस्ट 4 ही होंगे, थर्ड एंड फोर्थ के बीच में गैप ज्यादा होगी, इसका मतलब क्या होगा? आउटर मोस्ट में 3 होंगे, तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन यहां से हमें समझना था, तो आंसर क्या होगा बोलो? सिलिकॉन आउटर मोस्ट 4 है, इसीलिए तो फिफ्थ की आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या है? बहुत ज्यादा है कंपैरिजन में, तो आंसर होगा यहां पर सिलिकॉन। क्लियर? चलो एमसीक्यू नंबर 3, कौन सा क्वेश्चन है? विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हैज सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी लेस देन फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी? तो थर्ड एमसीक्यू, IP2 क्या होनी चाहिए यहां पर? लेस देन IP1। ऑप्शन कौन कौन है? मैग्नीशियम, नियॉन, कार्बन एंड नन, तो बोलो क्या होगा? अब यहां पर पॉइंट समझना, ऑप्शन कौन से है? पहले ऑप्शन लिख लेता हूं मैं, चलो मैग्नीशियम है, नियॉन, कैल्शियम सॉरी कार्बन एंड नन, तो पहले ही बोल दिया मैंने सक्सेसिव आयोनाइजेशन एंथैल्पी, तो क्या होगी सक्सेसिव आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी बोलो? IP1 इज लेस देन IP2 लेस देन IP3 ना, सक्सेसिव आयोनाइजेशन एंथैल्पी तो इंक्रीज होती है, तो कोई भी ऑप्शन इसके लिए राइट होगा? नो, तो आंसर क्या होगा यहां पर? नन, और रीजन क्या होगा? सक्सेसिव आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है? इंक्रीज होती है, तो यहां पर सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा नहीं है, तो सिंपल सा आंसर यही है कि सक्सेसिव आयोनाइजेशन एंथैल्पी के लिए ये रूल्स पता होना चाहिए हमें कि यह सक्सेसिव आयोनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज होगी, और डिक्रीज के लिए ऑप्शन दिया है यहां पर, तो वो तो है ही नहीं ऑप्शन।
चलो नेक्स्ट, उसके बाद तो आंसर आएगा यहां पर फॉर नन, कोई भी ऑप्शन इसके लिए राइट नहीं है, किसी की भी सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा नहीं है, समझना यहां पर, ओके। अरे सॉरी, सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी किसी की भी कम नहीं है यहां पर, सबकी ज्यादा ही है सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी। चलो फॉर नंबर एमसीक्यू, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एनर्जी चेंज कॉरस्पॉन्ड टू फर्स्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल, किसके लिए करेक्ट होगी एनर्जी फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी। फर्स्ट ऑप्शन क्या है, एक्स एलिमेंट है, गैसियस फॉर्म में है और एक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है वो, और उसके लिए आयोनाइजेशन एंथैल्पी देखेंगे, है ना। सेकंड तुम ले लो मॉड्यूल, इसके पास से एक मॉड्यूल ले लो सेकंड आयोनाइजेशन के लिए। चलो सेकंड ऑप्शन क्या है, एक्स टू गैस कन्वर्ट एक्स प्लस गैस एंड इलेक्ट्रॉन। थर्ड ऑप्शन क्या गिवन है, एक्स सॉलिड फॉर्म में गिवन है, एक्स प्लस सामने गैस एंड इलेक्ट्रॉन। और चौथा ऑप्शन क्या है, एक्वियस फॉर्म है ना, सामने एक्स प्लस एक्वियस इलेक्ट्रॉन। तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी किसके लिए करेक्ट होगी, फर्स्ट के लिए, पहले ही बता दिया आयोनाइजेशन एंथैल्पी के लिए जरूरी स्टेटमेंट क्या है, आइसोलेटेड गैसियस एटम होना चाहिए। तो आइसोलेटेड गैसियस एटम कौन है बोलो, यहां पर आइसोलेटेड और वो भी गैस फॉर्म में, तो यहां पर गैस है, ये भी गैस और एटम है, तो ये आंसर राइट। अब तुम बोलोगे सर ये भी गैस है, ये भी गैस है, लेकिन ये क्या है, मॉलिक्यूल है, ये क्या है, एक्स टू मॉलिक्यूल है, हमें क्या चाहिए, एटम चाहिए। तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी, अगर इसका ऑप्शन वैसे भी ये भी लिख सकते थे O2, तो O2 के लिए आयोनाइजेशन एंथैल्पी नहीं निकालते हम, किसके लिए आयोनाइजेशन एंथैल्पी, उसका आइसोलेटेड फॉर्म क्या होगा, ऑक्सीजन हो ना, तो आइसोलेटेड गैसियस एटम के लिए हमें, तो ये गलत, सॉलिड तो आएगा ही नहीं, एक्वियस भी नहीं आएगा, गलत, और ये भी गलत, तो आंसर क्या होगा, ए। तो फोर्थ नंबर का आंसर क्या है, समझ में आ गया ना क्या है। चलो उसके बाद नेक्स्ट फिफ्थ नंबर, आयोनाइजेशन एंथैल्पी ध्यान से रीड करो, इन गिवन द प्रोसेस विच ऑक्सीडेशन स्टेट इज मोर स्टेबल, ऑक्सीडेशन स्टेट किसके लिए ज्यादा स्टेबल होगा, बढ़िया सा क्वेश्चन है ये भी, एम कन्वर्ट एम प्लस, चलो फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी कितनी है इसकी, आई वन कितना है यहां पर 7.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी कितनी गिवन है यहां पर 15.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब क्वेश्चन क्या पूछा है यहां पर, दोनों में से मतलब M प्लस ज्यादा स्टेबल या M प्लस टू ज्यादा स्टेबल, यहां पर एलिमेंट कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट में रहना पसंद करेगी ज्यादा स्टेबल, M प्लस या M प्लस टू। तो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट एंड हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, तो क्या था उस वक्त, अगर डेल्टा ई की डिफरेंस कितनी आ रही है बोलो, डिफरेंस लिख रहा हूं तो 15.5 माइनस 7.9 ना, तो कितना आया 7.6 आ रहा है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब याद करो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट और हायर ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए था, तो अगर 11 से क्या हो, कम हो, 11 से अगर कम है तो वो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में रहेगा, रुक नहीं जाना, तो याद करो इसके जाने का, तो हाई ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए रूल्स क्या था याद करो, हाई ऑक्सीडेशन स्टेट में कब रहेगा वो, जब उसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी वैल्यू गैप कितनी हो 11 से कम हो, तो यस 11 से कम है ना ये, तो हाई ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, तो हाई ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब एम प्लस टू उसका स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, क्लियर है। मैग्नीशियम के लिए एग्जाम्पल पढ़ा था हमने, एक मैग्नीशियम का एग्जाम्पल पढ़ा था और एक सोडियम का एग्जाम्पल पढ़ा था आगे वाली क्लास में, तो यहां पर आंसर क्या होगा बोलो, M प्लस टू आएगा, फाइव नंबर में M प्लस टू इज मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है। चलो नेक्स्ट, उसके बाद एमसीक्यू नंबर सिक्स, अब फोकस करना, फोर अलग अलग न्यूट्रल एटम गिवन है, ध्यान रखो यहां पर न्यूट्रल एटम गिवन है यहां पर, ओके।
सेकंड नंबर यहां पर पूछा है कि फर्स्ट एंड सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी इसकी ज्यादा होगी। चलो ए के अंदर देखो किसके लिए फाइंड करना है हमें, आयोनाइजेशन एंथैल्पी वन एंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी टू हाईएस्ट। फर्स्ट में देखो सिर्फ दो ही सेल है ना, दो ही सेल है, सेकंड में भी दो सेल है, थर्ड में भी दो सेल है, मतलब लेफ्ट टू राइट जाओ तुम्हें ना पीरियड के अंदर कहां क्या कर रहे हैं, लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, इंक्रीज होगी लेफ्ट टू राइट, क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। तो फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी इसकी तो ज्यादा ही होनी है, अरे इसकी चलो फर्स्ट नहीं लेकिन सेकंड देखो बहुत ज्यादा होगी क्योंकि आउटर मोस्ट में तो एक ही इलेक्ट्रॉन है, लेकिन सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी तो इसकी बहुत ज्यादा होगी क्योंकि स्टेबल कॉन्फिगरेशन मिल जाता है उसे। उसके बाद देखो यहां पर दोनों में दो सेल है समझना, इसमें तो तीन सेल है, तो तीन सेल मतलब फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी तो कम होगी ओके, और थर्ड पीरियड में आ गया तो इसकी आयोनाइजेशन इनकी कंपेयर में तो कम हो जाएगी, थर्ड सेल है ये, जबकि ये सेकंड सेल की बात कर रहे हैं, तो यहां से ही आंसर मिलना है हमें। अब देखो यहां पर फाइव वाला आंसर राइट या सेवन वाला आंसर राइट, तो फाइव मतलब कौन है ये सेवन नंबर पर, कौन सा एलिमेंट है, नाइट्रोजन, फिर कौन है फ्लोरीन है ना, फ्लोरीन टू सेवन और ये टू फाइव, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज दोनों में से किसका ज्यादा है, फ्लोरीन, तो फ्लोरीन के लिए आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी, ज्यादा होगी। दोनों की अगर हम कंपेयर कर रहे हैं, एक नाइट्रोजन की कंपेयर कर रहे हैं और एक फ्लोरीन की कंपेयर कर रहे हैं, तो किसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होगी, फ्लोरीन की। रीजन क्या है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा यहां पर, ज्यादा होगा। हाँ अगर तीन सेल है तो उसे तो रेस में से बाहर निकाल दो, लेकिन जब दो सेल गिवन है तो दो सेल में कंपेरिजन कैसे करोगे तुम, दोनों में दो दो सेल है देखो, तो दो सेल में कंपेरिजन के लिए तुम्हारे एक तो हाफ फील्ड वाला रूल्स भी लगेगा और दूसरा रूल्स जेड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज वाला रूल्स भी लगेगा, तो ये दोनों चीजों पर फोकस करना है। और लेफ्ट टू राइट याद रखो पीरियड में कि लेफ्ट टू राइट जाते जाते आयोनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज होती है, सिवाय एक्सेप्शन सेकंड पीरियड में कौन है, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन वाला एक्सेप्शन केस है, हाफ फिल वाला स्टेबल कॉन्फिगुरेशन है वो ओके। तो यहां पर क्या है, किसकी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा, तो फ्लोरीन की इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगी, तो उसकी वजह से उसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी भी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो आंसर कौन सा मिला हमें, ए एंड सी, ये दोनों होगी आयोनाइजेशन एंथैल्पी, लेकिन ये दोनों की कंपेयर में कम होनी है। चलो नेक्स्ट एमसीक्यू सेवन नंबर। इसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यू एट नंबर। चलो एट नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज हाईएस्ट वैल्यू ऑफ आयोनाइजेशन एंथैल्पी, हाईएस्ट वैल्यू ऑफ आयोनाइजेशन एंथैल्पी निकालनी है। चलो एट नंबर का एमसीक्यू आ जाओ, हाईएस्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी टाइटेनियम, जिरकोनियम एंड हॉफनियम। चलो कौन सा रूल्स लगेगा यहां पर याद करो, टाइटेनियम जिरकोनियम एंड हॉफनियम ना, टॉप टू डाउन, लेकिन क्या था ये लेंथेनॉइड कॉन्ट्रेक्शन, तो लेंथेनॉइड कॉन्ट्रेक्शन की वजह से हॉफनियम की आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी, सबसे ज्यादा होगी, वरना टॉप टू डाउन क्या होना चाहिए ग्रुप में, आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज होनी चाहिए, लेकिन लेंथेनॉइड कॉन्ट्रेक्शन की वजह से इसमें क्या होगा, एफ इलेक्ट्रॉन और एफ इलेक्ट्रॉन की स्क्रीनिंग इफेक्ट पुअर होगी, तो इसकी वजह से आयोनाइजेशन एंथैल्पी और हॉफनियम की ज्यादा होगी, आंसर होगा लेंथेनॉइड कॉन्ट्रेक्शन की वजह से, तो ये भी हमने नोट्स में पढ़ा था लास्ट। चलो उसके बाद नाइन नंबर एमसीक्यू, चलो नाइन नंबर एमसीक्यू, करेक्ट ऑर्डर ऑफ आयोनाइजेशन एंथैल्पी, कौन कौन गिवन है, के गिवन है उसके लिए पोटेशियम आयन, और उसी तरह कॉपर गिवन है और उसके लिए कॉपर प्लस, कौन से पीरियड की बात है, थर्ड पीरियड की बात है ना ये, तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी का ऑर्डर निकालना है हमें, तो पोटेशियम पहले आएगा, कॉपर वो लाइन में लास्ट में आ रहा है ओके। तो चलो आयोनाइजेशन एंथैल्पी दोनों में से किसकी कम, पोटेशियम या कॉपर की, थर्ड पीरियड की बात कर रहा हूं मैं, पहले कौन आ रहा है, लेफ्ट टू राइट आयोनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ती है ओके,
तो पहले कौन आएगा, पोटेशियम आएगा या कॉपर आएगा? पोटेशियम, तो पोटेशियम की आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम, किससे? कॉपर से। अब दूसरा स्टेटमेंट क्या था, कैटायन की आयोनाइजेशन एंथैल्पी उसके एटम से तो ज्यादा ही होगी, तो अब ये आ सकता है या तो ये आ सकता है। तो लेकिन पोटेशियम इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सोचो क्या हुआ, स्टेबल हो गया ना पोटेशियम, मतलब 19 कौन से नंबर का है ये, 2881 ना। अब ये इलेक्ट्रॉन इसने रिमूव किया तो अब तो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन आ गया इसका, तो इसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी तो सबसे ज्यादा होगी, इवन इससे भी ज्यादा। तो मतलब आगे कौन आएगा, के प्लस, और उसके बाद लास्ट में कौन आएगा, के प्लस। तो के प्लस की आयोनाइजेशन एंथैल्पी सबसे ज्यादा, रीजन क्या है, ये वाला स्टेबल कॉन्फ्यूग्रेशन। तो आउटर मोस्ट में पोटेशियम में एक इलेक्ट्रॉन है, जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन रिमूव किया इसने तो इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ्यूग्रेशन तो ये बन रहा है ना स्टेबल एकदम। तो इसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी सबसे कम है और इसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी सबसे ज्यादा है यहां पर। तो ये वाला रूल्स लगेगा यहां पर, देखो यहां पर भी वही रूल्स लग रहा है ना, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक था, एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया। उसके बाद अगर स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन आ गया ये वाला, तो वहां से इलेक्ट्रॉन रिमूव करना बहुत ही डिफिकल्ट होता है, इसीलिए उसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो एमसीक्यू नंबर 9 ये भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू था। चलो नेक्स्ट लास्ट एक और एमसीक्यू देख लेते हैं, 10 नंबर। मैच दी कॉलम, कॉलम नंबर 1 में क्या गिवन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एंड कॉलम नंबर 2 में सक्सेसिव आयोनाइजेशन एंथैल्पी है। चलो कॉलम नंबर 1 NS1 है, फिर उसके बाद NS2, देन NS2 एंड NP1, NS2 NP2। पहले ही गिवन है, ये क्या बता रहा है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन से, समझना ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, मतलब इसके आउटर मोस्ट में एक ही इलेक्ट्रॉन है, अभी अंदर तो स्टेबल आ जाएगा, इसके आउटर मोस्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2, इसके लिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3, इसके लिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4। अब वैल्यू जो गिवन है ना उसमें डायरेक्टली आंसर बता देता हूं मैं क्या कैसे आंसर होगा। तो इसकी सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी बोलो, फर्स्ट की कंपेयर में बहुत ज्यादा ना, वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर एक ही है तो सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू बहुत ज्यादा होगी। तो देखो चार ऑप्शन के अंदर से फर्स्ट एंड सेकंड में किसमें ज्यादा गैप है वो आंसर होगा, किसमें ज्यादा गैप है वो आंसर होगा, समझ रहे हो ना। चलो यहां पर कौन सी आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होगी, उसकी थर्ड नंबर आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी, सेकंड से बहुत ज्यादा होगी। तो चार ऑप्शन में से कौन से ऑप्शन में सेकंड एंड थर्ड में गैप ज्यादा है, कौन से ऑप्शन में गैप ज्यादा है देख लो, सेकंड एंड थर्ड में। चलो उसके बाद यहां पर क्या होगा बोलो, फोर्थ नंबर की आयोनाइजेशन एंथैल्पी 4 क्या होगी, थर्ड से बहुत ज्यादा होगी, क्योंकि जैसे ही तीन इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गए उसके बाद तो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा। यहां पर क्या होगा रूल्स, आयोनाइजेशन एंथैल्पी इसकी फिफ्थ नंबर की फोर्थ की कंपेयर में बहुत ज्यादा होनी है। तो कौन सा आंसर आ रहा है, वैल्यू समझ में आ गई ना, देखो मैं वैल्यू यहां पर लिख रहा हूं। अब फर्स्ट वैल्यू क्या है, ऑप्शन पी के अंदर 19, 27, 36, 48 एंड 270। तो सबसे ज्यादा गैप कहां पर मिल रही है तुम्हें, ये दोनों के बीच में मिल रही है ना, मतलब 5 एंड 4 के बीच में, तो ये आंसर किसके लिए राइट है, ये हो गया ना, तो 4 एंड 5 के बीच में आयोनाइजेशन एंथैल्पी, तो ये हुआ इसके लिए, मतलब इसमें आंसर आएगा पी, फर्स्ट का आंसर पी। चलो सेकंड क्यू के लिए क्या गिवन है डेटा, 16, 28, 34 एंड 260। सबसे ज्यादा गैप यहां पर है, मतलब थर्ड आयोनाइजेशन फोर्थ आयोनाइजेशन एंथैल्पी थर्ड से बहुत ज्यादा है, मतलब ये वाला फोर्थ आयोनाइजेशन थर्ड से बहुत ज्यादा है, मतलब इसके लिए आंसर क्या होगा, इसके लिए ऑप्शन कौन सा है, क्यू। चलो नेक्स्ट आर 18,
26 एंड देन 230 250। तो गैप कहां पर है? सेकंड एंड थर्ड के बीच में, मतलब थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी सेकंड से बहुत ज्यादा है। तो ये रहा इसके लिए आंसर। तो यहां पर कौन सा ऑप्शन आएगा? आर। इसके लिए कौन सा ऑप्शन है? क्यू। और इसके लिए कौन सा ऑप्शन है? पी। अब बचा कौन? एस बचा। तो देखो फर्स्ट एंड सेकंड में है ना बहुत ज्यादा गैप, तो फर्स्ट एंड सेकंड में कितनी गैप है? कितनी गैप है फर्स्ट एंड सेकंड में? 14 से 200 ना, 14 है और सेकंड आयोनाइजेशन कितनी है? 200 है, चलेगा। चलो कितनी है एस के लिए? 14 है और 200 है ना, तो देखो सेकंड की गैप कितनी ज्यादा है। तो आंसर कैसे निकालेंगे? डेटा देखने की कोई जरूरत नहीं है, समझो ये रूल्स पता होना चाहिए तुम्हें कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर एक है तो उसकी सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी बहुत ज्यादा होनी है। कंपैरिजन करेंगे ना जब डेटा, तो ये डेटा पर से हमें समझ में आ रहा है। और रीजन क्या है उसकी सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा क्यों है? तो रीजन क्या होगा? स्टेबल कॉन्फ्यूगरेशन। चलो इसकी कौन सी आयोनाइजेशन एंथैल्पी बहुत ज्यादा है? तो थर्ड नंबर की, क्योंकि दो इलेक्ट्रॉन तो रिमूव हो गए, थर्ड की ज्यादा ही होगी नो डाउट, लेकिन बहुत ज्यादा होगी। तो ये आंसर यहां से निकल रहा है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू है, स्टॉप कर देना।